बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड, अब दो दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाई आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता, मेन रोड पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नियर टार्को टेलीकॉम गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था, संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का लोकप्रिय और विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेदागिरी। गणपति सोलर एक्साइट एमरोन मैसिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर स्लामपुरिया एनर्जी बिसाइड मधुबन मेजेस बरगंडा गिरी। शहर में 4 शाखाएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। होली व सभी बारह त्योहार के दौरान शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। प्रशासन ने लोगों से की सांप्रदायिक सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील। होली को लेकर लोगों में उत्साह, सजे बाजार। 6 मार्च की रात 12 बजे के बाद होगा होलिका दहन। 8 मार्च को मनाई जाएगी होली, कहा गिरिडीह के जाने माने ज्योतिषाचार्य महेंद्र पांडे ने। भाजपा नेताओं ने शास्त्री नगर तो कांग्रेस नेताओं ने बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में किया होली मिलन समारोह का आयोजन। एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी होली की बधाई, व्यंजनों का जमकर उठाया लुत्फ। सहयोग हॉस्पिटल में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। अस्पताल कर्मियों ने पूरे उत्साह के साथ किया रक्तदान, 31 यूनिट हुआ रक्त संग्रह। और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने किया होली मिलन समारोह का आयोजन। समारोह में जुटे समाज के महिला, पुरुष और बच्चे एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी होली की बधाइयां। अब खबरें विस्तार से। शहर में शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली व सभी बारात पर्व को संपन्न कराने को लेकर पचम्बा थाना परिसर शांति समिति की बैठक सर SDO की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने लोगों से आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने का आग्रह किया। शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली व सबे बारात पर्व को संपन्न कराने को लेकर पचम्बा थाना परिसर में रविवार को शांति समिति बैठक के साथ ही होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सदर SDM विशाल दीप खलकोनी की। वहीं बैठक में सदर अंचल अधिकारी रविभूषण प्रसाद व सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप कुमार महतो, ASP हरीश बिन जमा, पचम्बा इंस्पेक्टर अनिल कुमार और पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह और जनप्रतिनिधि शांति समिति के सदस्य सहित दोनों सामुदायिक के प्रबुद्ध जन मौजूद थे। इस दौरान पदाधिकारियों ने लोगों से होली और सबे बारात त्योहार को शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। अभी मने और होली का भी त्योहार, ये पचम्बा के सारे लोगों से रिक्वेस्ट करते कि बरसात में जो गलत मतलब संदेश फैलाए हैं समाज में, वैसे नेत्री प्रेमा तिवारी जी शांति समिति के आए हुए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने कहा कि होली के दौरान DJ, शराब व फुहड़ गाने पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी भी तरह की सूचना मिलने पर प्रशासन को जानकारी देने की बात कही। कहा कि असामाजिक तत्वों व हुड़दंगियों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी, माहौल को बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जोर जबरदस्ती करते हुए किसी को रंग नहीं लगाने की बात कही। बैठक के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने भी अपने अपने विचारों को रखा। पचम्बा थाना परिसर में आज शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी,
बैठक में एसडीएम साहब, सीओ साहब, वीडियो साहब, इंस्पेक्टर साहब, थाना प्रभारी सब लोग मौजूद थे। साथ ही साथ पंचमाधन क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो गणमान्य लोग हैं, सभी लोग आए थे यहाँ पे। तो उनको जो दिशा निर्देश है होली और शबे बारात को लेके वो दिया गया है। हम लोगों ने यही उनको रिक्वेस्ट किया है कि किसी भी तरीके से जो चीज़ें उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, डीजे नहीं बजाना है, रंग किसी को ज़बरदस्ती नहीं लगाना है। शबे बारात में रात में जो जवान लड़के जो हैं वो बाइक पर निकल जाते हैं, पटाखे जलाते हैं, वो सब नहीं करना है। हर तरीके से शांति बनाए रखनी है। तो लोगों का भी बहुत सहयोग मिला है और मैं ये आशा करता हूँ कि त्यौहार जो है बहुत अच्छे से निकलेगा, बहुत खुशी खुशी और अच्छे से निकलेगा, मेरी यही शुभकामना है। और चूँकि ये मेरी ASP के रूप में लास्ट ब्रीफिंग थी, तो मैंने भी इस चीज़ को बड़ा इन्जॉय किया है। और जाते जाते मुझे यही लगता है कि जब भी उनकी खबर मिलेगी, अच्छी खबर मिलेगी, तो हमें भी बहुत खुशी होगी। बैठक में सिकदारडी मुखिया प्रतिनिधि महताब मिर्जा उर्फ डब्लू, करहरबारी मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, तेलोड़ी पंचायत के मुखिया सबीर आलम, प्रेमा तिवारी आदि लोग उपस्थित थे। रंग उत्सव को लेकर जहां एक और लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, बाजार भी पूरी तरह से सज गए हैं और रंग गुलाल के साथ साथ पिचकारी की जमकर खरीदारी करने में लोग जुटे हुए हैं, वहीं होलिका दहन और रंगोत्सव की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसे दूर करने के लिए न्यूज लाइन के गिरिडीह के जाने माने ज्योतिषाचार्य महेंद्र पांडे से वार्ता की और जाना कि आखिर किस स्थिति को होगा होलिका दहन और कब मनाया जाएगा होली उत्सव। प्रेम व आपसी भाईचारे के साथ साथ रंगोत्सव का त्यौहार होली को लेकर तैयारी जोरों शोरों पर है। एक और जहां रंग गुलाल और तरह तरह के पिचकारी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का बाजार पूरी तरह से सज गया है, वहीं दूसरी ओर लोग भी पूरे उत्साह के साथ होली की खरीदारी में जुटे हुए हैं, जिससे बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। शहर के टावर चौक, कालीबाड़ी, मगतपुर चौक, मुस्लिम बाजार, पचम्बा में होली को लेकर कई स्टॉल लगाए गए हैं, जहां रंग व गुलाल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पिचकारियां व मुखौटों सहित अन्य सामानों की जमकर खरीदारी की जा रही है। हमने चाइना आइटम का बहिष्कार किया है, ओनली फॉर इंडियन मार्केट। चाइना मेड आइटम का कुछ भी ऐसा नहीं है। नया नया हर्बल का वीर है जो कि शरीर में किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा। इस बात को नजर रखते हुए ऐसा ही मैंने खरीदारी किया। सारा मेरा दिल्ली और कलकत्ता प्रोडक्ट है, पिचकारी है, रंग है, अबीर है, हर तरह का रंग है, हर तरह का अबीर है, ओनली फॉर इंडिया। और हर्बल हर रंग मेरे पास अवेलेबल। होली के त्योहार में होलिका दहन का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस वर्ष लोगों में होली के त्योहार को लेकर 7 या 8 मार्च को मनाने को लेकर जहां असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर होलिका दहन की तिथि व समय को लेकर असमंजस बना हुआ है। हालांकि गिरिडीह के जाने माने ज्योतिषाचार्य महेंद्र पांडे ने लोगों को असमंजस से बाहर निकालते हुए बताया कि 6 मार्च पूर्णिमा तिथि है, 3:57 से शुरू होकर दूसरे दिन मंगलवार को 5:40 तक रहेगा। वहीं पूर्णिमा के साथ ही भद्रा भी शुरू हो रहा है, इसलिए सोमवार की रात्रि 12:23 से 1:35 तक होली का दहन किया जा सकता है। वहीं दूसरे दिन मंगलवार को यानी 7 मार्च को शाम 5:40 तक पूर्णिमा होने के कारण होली उत्सव नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि होली उत्सव चैत्र प्रतिपदा में मनाया जाता है। इसलिए इस वर्ष रंगोत्सव 8 मार्च यानी बुधवार को मनाया जाएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सनातन संस्कृति में होली की परंपरा उल्लास और खुशियों के मणि कांचन संयोग बताया जाता है। भेदभाव मिटाकर पारस्परिक प्रेम और सद्भाव प्रकट करने का ये होली एक पुनीत पर्व है। और इस वर्ष कुछ पंचांगों में
6 मार्च को और कुछ पंचांग में 7 मार्च को होलिका दहन का मुहूर्त बताया गया है, जिससे जनमानस में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए हम जानते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। होलिका दहन में शास्त्र अनुसार 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं। पहला तो पूर्णिमा तिथि हो, दूसरा भद्रा रहित हो, और तीसरी सिद्धांत है कि पूर्णिमा जब भी हो प्रदोष काल अथवा रात्रि काल में हो। ये 3 सिद्धांत के संयोग से होलिका दहन का मुहूर्त बनता है। 6 मार्च सोमवार को पूर्णिमा तिथि दोपहर 3:57 से आरंभ हो रहा है और सूर्यास्त 5:48 में हो जा रहा है। उसी दिन भद्रा पूर्णिमा आरंभ के साथ यानी 3:57 से भी भद्रा भी आरंभ हो जा रहा है और शेष रात्रि 4:49 तक ये भद्रा रहेगा। तो भद्रा में होलिका दहन वर्जित बताया जाता है। दूसरे दिन 7 मार्च को मंगलवार को पूर्णिमा तिथि जो है शाम को 5:40 तक है और सूर्यास्त संध्या 5:49 में है। तो सूर्यास्त के पहले पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जा रही है, जिसके चलते 7 तारीख को रात्रि काल में पूर्णिमा नहीं होने के चलते होलिका दहन का शुभ मुहूर्त नहीं बनता है। धर्म सिंधु आदि ग्रंथों में बताया गया है कि दिन से रात्रि काल तक यदि भद्रा हो तो होलिका दहन कैसे हो, इसका निर्णय दिया गया है कि भद्रा पुच्छ यानी भद्रा की अंतिम 4 घटी का जो समय होता है उसे भद्रा पुच्छ कहते हैं। तो यदि ऐसी परिस्थिति बन रही हो तो भद्रा पुच्छ में होलिका दहन किया जा सकता है। तो भद्रा पुच्छ जो है सोमवार 6 मार्च को रात्रि 12:23 से 1:35 रात्रि तक भद्रा पुच्छ होता है। ऐसी स्थिति में अनेक विद्वानों का मत है कि रात्रि 12:23 से रात्रि 1:35 के बीच धुंधा राक्षसी का पूजन एवं होलिका दहन करने का सबसे शुभ मुहूर्त होता है। हमारा जो पंचांग है श्री निकेत पंचांग, उस पंचांग के आधार पर भी हमने जो निर्णय दिया है वह सोमवार को रात्रि 12:23 से रात्रि 1:35 के बीच में शुभ मुहूर्त में होलिका दहन का निर्णय लिया है। होलिका दहन में भद्रा का विचार क्यों किया जाता है? भद्रा 3 स्थानों पर निवास करती हैं। प्रथम आकाश में, द्वितीय पाताल लोक में और तृतीय पृथ्वी लोक में। पृथ्वी की भद्रा जो होती है जब चंद्रमा कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ अथवा मीन राशि में हो तब भद्रा पृथ्वी लोक में होती है, और जब पृथ्वी लोक पर भद्रा हो तो ऐसे काल में शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित बताया गया है। भद्रा काल में मुख्य 2 त्योहार या 2 व्रत नहीं होता है। प्रथम हुताशनी और द्वितीय श्रावणी। हुताशनी का अर्थ होता है होलिका दहन और श्रावणी का अर्थ होता है रक्षाबंधन। ये दोनों कार्य पृथ्वी लोक में जब भद्रा हो तो ऐसे समय में नहीं करना चाहिए, क्योंकि होली का दहन जो है उस रात्रि को शास्त्रों ने दारुण रात्रि कहा गया है। दारुण रात्रि
दारुण दुख से छुटकारा पाने के लिए होलिका दहन किया जाता है। यदि शुभ मुहूर्त में होलिका दहन न हो तो अनेक प्रकार की परेशानी संकट देश पर पड़ता है, इसलिए शास्त्रों में शुभ मुहूर्त में होलिका दहन बताया गया है। सोमवार 6 मार्च को होलिका दहन और 7 मार्च को काशी में होली का त्योहार मनाया जाएगा, जिसे धुलंडी भी कहते हैं, और 8 मार्च को सर्वत्र होली यानी रंगोत्सव का त्योहार मनाया जाएगा एवं विभूति धारण किया जाएगा। 8 मार्च को सभी पंचांगों में और सभी विद्वानों का मत है, होलिका दहन की मुहूर्त में असमंजस की स्थिति है, लेकिन रंगोत्सव और सर्वत्र होली का सबों का मत है, सभी पंचांगों का मत है कि 8 तारीख को मनाया जाए। और 8 तारीख चूंकि रंगोत्सव में चैत्र प्रतिपदा की महत्व है, तो चैत्र प्रतिपदा जो है वह 8 तारीख को हो रहा है, इसीलिए 8 तारीख को रंगोत्सव मनाया जाएगा। श्रीनिकेत ज्योतिष सत्संग संस्थान की तरफ से आप सभी नगरवासियों को होली का हार्दिक अभिनंदन। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भाजपा नेता सुरेश साव के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरेश राव ने रविवार को शास्त्री नगर स्थित आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य रूप से झारखंड के प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, अधिवक्ता संघ के महासचिव चुनुकांत, भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, हिंदू जागरण मंच के प्रदेश संगठन मंत्री सुमन कुमार, प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह सहित काफी संख्या में भाजपाई शामिल हुए। समारोह के दौरान भाजपाइयों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और गले मिलकर एक दूसरे को रंगों का त्यौहार होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान गीत संगीत कार्यक्रम का भी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। अब साथ में चल के आए हमारे अमित तिवारी जी, जो गिरिडीह जिला के संगठन के हमारे प्रभारी हैं, उनको भी पगड़ी और रंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। सभी लोग तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करें। भाई साहब को आपके साथ इनका स्वागत करेंगे। को आगे कार्यक्रम में जाना है और हम तमाम कार्यकर्ता अपने अपने जगह पर ही बैठे रहेंगे। भाई साहब यहाँ से निकले, सभी प्रकार की बातें उसके अंदर समाहित थी। जय घोष बोलेंगे एक बार, भारत माता की, भारत माता की।
मौके पर कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश राव ने कहा कि होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसलिए हर साल की भांति इस साल भी उत्साह और उमंग के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता। मेरे यहाँ जिला की ओर से होली मिलन समारोह रखा गया और जैसा कि आपको अभी जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि हम इसमें मुख्य रूप से हमारे आदरणीय झारखंड प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री करमवीर सिंह जी उपस्थित हुए और हम तमाम गिरिडीह जिले के कार्यकर्ता के अंदर इस होली मिलन समारोह में इस उमंग भरी त्यौहार में एक नया जोश खरोश भरने का काम किया है। इसलिए सबसे पहले तो हम अपनी ओर से और पूरे गिरिडीह जिला में पार्टी की ओर से मैं अपने संगठन मंत्री जी को बधाई देता हूँ और साथ ही साथ उन्होंने एक संदेश दे के गया कि जिस तरह से होली में बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, जिस तरह से अच्छाई की जीत हुई है, ठीक हमारे कार्यकर्ता इस होली में एक शपथ ले और बुराई पर जो तमाम एक दूसरे के खिलाफ गिला शिकवा हो वो सारे गिला शिकवा को भूलकर सब एक रहे और बुराई से लड़ने का काम करें और बुराई पे अच्छाई की जीत हो, यही संकल्प। जिनके आयोजक और व्यवस्थापक प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री सुरेश साहू जी हैं, आज होली मिलन समारोह रखा गया है जिसमें होली मिलन समारोह में हमारे झारखंड प्रदेश के आदरणीय संगठन महामंत्री माननीय करमवीर भाई साहब जी उपस्थित हुए, उनके साथ में हिंदू जागरण मंच के संगठन के मंत्री सुमन जी भी उपस्थित रहे। अभी हमारे बीच में जमुआ के लोकप्रिय विधायक माननीय केदार हजरा जी उपस्थित हैं, लक्ष्मण स्वर्णकार जी उपस्थित थे, हमारे जिले के सभी मोर्चे के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, सभी मंडलों के अध्यक्ष, और यह कार्यक्रम अभी चलेगा और लोग हमारे लोग यहाँ पर आएंगे। होली मिलन समारोह में एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को शुभकामना दे रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारा संगठन का भी कार्य है इसमें यहाँ होली मिलन समारोह में एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा के उनको बधाई दे रहे हैं और उनको आदरणीय सुरेश साहब जी के यहाँ होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था और जिले भर के सभी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित होकर के एक दूसरे के लिए कि देश में तीन तीन राज्य में हमारी सरकार बने और एनडीए के प्रत्याशी उपचुनाव कोडरमा में भी जीता, इसलिए इस बार होली मिलन में एक अलग उमंग था कार्यकर्ताओं को और आज उसी उमंग में हम भी शरीक हुए हैं। समारोह में लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, प्रखंड अध्यक्ष अनिल वर्मा, इंजीनियर विनय सिंह, सुनील पासवान, सुभाष सिंह, हरमिंदर सिंह बग्गा, दारा हाजरा, डॉक्टर विकास लाल, नवीन सिन्हा, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, मनोज मौर्या, राजेश जायसवाल, प्रवीण सिन्हा, ज्योतिष शर्मा, रंजन सिंह, रंजीत बर्णवाल, संगीता सेठ, प्रोफेसर विनीता कुमारी, संजू देवी समेत सभी मोर्चा और मंडल के अध्यक्ष मौजूद थे। इधर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा रविवार को बरमसिया स्थित चिल्ड्रन पार्क में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें सदर विधायक सहित काफी संख्या में कार्यकर्तागण शामिल हुए। शहर के बरमसिया स्थित स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में रविवार को कांग्रेस के प्रदेश सचिव अजय कुमार सिन्हा व ओबीसी सेल के प्रदेश महासचिव नवीन आनंद के द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परेश मिश्रा, कृष्ण सिंह, उपेंद्र सिंह, आनंद कुमार वर्मा, सीताराम पासवान सहित काफी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। इस दौरान लोगों ने विभिन्न व्यंजनों के साथ ही ठंडाई का भी जमकर लुफ्त उठाया और होली के गीतों पर जमकर झूमे।
भरोसे भीगे नरवाली रंग भरोसे। मौके पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने जहां सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी, वहीं कांग्रेसी नेता अजय सिन्हा व नवीन आनंद ने कहा कि होली का त्यौहार रंगों और खुशियों का त्यौहार है। कोरोना काल के बाद फिर से पुराने उमंग और उत्साह के साथ त्यौहार मनाने का अवसर मिला है। उन्होंने शहरवासियों से शांति और खुशी के माहौल में होली का त्यौहार मनाने की अपील की और सभी को होली की बधाई व शुभकामनाएं दिया। कहा कि रंगों और भाईचारे के इस त्यौहार में आपसी मतभेद और गिले शिकवे मिटाकर सद्भाव पूर्व तरीके से होली मनाएं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हम लोग आज गिरिडीह में एक होली मिलन समारोह का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे सहयोगी दल के यहाँ जेएमएम के विधायक सुदीप कुमार सोनू जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण सब सारे उपस्थित हुए हैं। यूथ कांग्रेस के, NSUI के, महिला कांग्रेस के सारे यहाँ पर जो भी हैं ऑफिस बेयरर सभी मैंने यहाँ पर आए, जिला अध्यक्ष आए हैं सभी, और हम लोग धूमधाम से यहाँ पर होली मिलन समारोह का हम लोग मना रहे हैं। होली के अवसर पर हम अपने तमाम गिरिडीह वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। यह होली सभी की जिंदगी में एक नया रंग है। हमारे संवत के हिसाब से होली के बाद नया ऊर्जा, नया उमंग, हम लोगों के बीच संचारित होती है। खासकर कोरोना के बाद बदलते माहौल में मैं फिर से होली के अवसर पर तमाम खुशियां, तमाम शुभकामनाएं। रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से रविवार को सहयोग नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल कर्मियों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और 31 यूनिट रक्त संग्रह किया। शहर के बोड़ो स्थित सहयोग हॉस्पिटल में रविवार को रेड क्रॉस के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सिंग होम में लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और रक्तदान किया। इस दौरान 31 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। शिविर का उद्घाटन डॉक्टर राजेश कुमार व शीला वर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। शिविर को सफल बनाने में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह के चेयरमैन मदन विश्वकर्मा, वाइस चेयरमैन तारकनाथ देव, ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर सोहेल अख्तर, विवेक जलान, श्रेय क्लब के रमेश यादव, ब्लड बैंक के टेक्नीशियन संतु कुमार, सरिता सिन्हा, सुधीर वर्मा, पासवान कुमार, रंजीत कुमार सहित नर्सिंग होम के सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। रक्तदान शिविर लगाया, ऐसे कुछ में डॉक्टर शीला वर्मा, डॉक्टर राजेश जी सबसे पहले फोन किया। आज गिरिडीह में रक्त का कमी का चलते गर्मी आने की बात भी रक्त का कमी हो जा रहा है। प्रशासन का तरफ से जो निर्देश है, निर्देश मुताबिक सब हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, विशेषकर प्राइवेट तरफ से जो डोनेशन कैंप होगा, आइए खरीसी में रोगी को बचाइए। और शिला भार्मा को रेड क्रॉस का तरफ से, राजेश कुमार को रेड क्रॉस का तरफ से बहुत बहुत बधाई, नमस्कार। कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा शरीर से निकल जाने के कारण अगर ब्लड समय पे नहीं मिले तो जान नहीं बचाया जा सकता है। तो ये जो अभियान है ये जनता के द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए, कभी भी हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, किसका एक्सीडेंट कब हो जाए कोई नहीं जान सकता है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि हमारा ब्लड बैंक जो है वो सशक्त हो, ब्लड की कमी नहीं हो और उसमें जनता की भागीदारी से ही ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का इंतजाम किया जा सकता है। मतलब वहाँ यूनिट रहे कि ब्लड की जब भी जिसको ज़रूरत हो उपलब्ध कराया जा सके। तो इसलिए उसी अभियान के तहत हम लोग भी अपने हॉस्पिटल के तरफ से जितना कुछ हो सकता है रक्तदान करने का कोशिश कर रहे हैं और जितने लोग यहाँ रक्तदान करने आए हैं सभी का धन्यवाद करते हैं कि सभी काम में सम्मिलित होकर के वो किसी का जान बचाने में सहयोग करेंगे। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।
बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, एचडी क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वेनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लोथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ एसडी क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सीडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलख जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहां के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिसोर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं। दो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मन पसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दे। हमारा पता, गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन्ड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखलाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता, टाउन थाना के पीछे धरियाडीह, गिरिडीह। गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। मैडम, इंदिरा गैस, ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श मिश्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोप्राइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं,
आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर, तो देर किस बात की है। एक बार पचम्मा रोड अलकापुर स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय पचम्मा रोड अलकापुरी SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहां रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहां से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहां है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहां करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल बंटी बाबू की दुकान बड़ा चौक, ग्रीडी कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD ग्रीडी। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोदी लेदा गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1,000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता सर्वेक्षण। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है।
हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सब दर्शकों का स्वागत है। सामाजिक परिवर्तन संस्थान की ओर से शीशम परियोजना के तहत आयोजित संकुल स्तरीय बाल मेला क्रिकेट व फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। RMI के वित्तीय सहयोग से सामाजिक परिवर्तन संस्थान के द्वारा सीसम 2 परियोजना द्वारा खरसान मैदान में संकुल स्तरीय बाल मेला का आयोजन किया गया। बाल मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लड़कियों के लिए फुटबॉल और लड़कों के लिए क्रिकेट शामिल किया गया था। इस दौरान क्रिकेट खेल में ग्राम खिरोड़ी के बाल मंच के बच्चों ने उपरेली कहुआई के बाल मंच के बच्चों को एक रन से हरा दिया और फुटबॉल खेल में खरसान देवटन के बाल मंच के बच्चियों ने खिरोड़ी के बच्चियों को एक गोल से हराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक परिवर्तन संस्थान के सचिव उमेश कुमार तिवारी, बादीडी पंचायत के मुखिया मुन्नी कुमारी, बादीडी पंचायत के पंचायत समिति अशोक यादव, खरसान पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मकसूद आलम, उप मुखिया विनय कुमार, पूर्व उप मुखिया भोला यादव, अनिल मालाकार उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में सामाजिक परिवर्तन संस्थान की सीसम 2 परियोजना के क्षेत्र प्रशिक्षक राजीव रंजन, जितेंद्र कुमार, सुमन कुमारी, बेबी कुमारी, पवन कुमार, सिकंदर कुमार, सुनील कुमार, रुपेश कुमार, सृष्टि पाल सिंह, रविंद्र कुमार और महेंद्र कुमार शामिल थे। जूनियर समाज के द्वारा रविवार को पुराना परिसदन भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। इस दौरान संगीत ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन किया गया था। समारोह के दौरान समाज के संरक्षक राजेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष दीपक शाह, सचिव अभय कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष विनय गुप्ता, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता, सचिव कैलाश गुप्ता, हरीश गुप्ता, सुनील सेठ, अमित गुप्ता, संदीप गुप्ता सहित काफी संख्या में महिलाएं व बच्चे शामिल थे। मन का उल्लास
भाईचारा का पर्व जिला में एक प्यार और सौहार्द का वातावरण लेकर आए। कल्याण समाज की ओर से आज आने वाले होली के पर्व पर देखते हुए होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के बड़े नामी गिरामी कलाकार द्वारा मनोरंजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि पूरे जिला में जितने क्षेत्रीय रह रहे हैं अतिथियों ने जरासंघ चौक स्थित महाराज जरासंघ की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नमन किया और कार्यक्रम स्थल पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने एक दूसरे को रंग व गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ राम, राजकुमार राज, रमेश चंद्रवंशी, अजीत कुमार चंद्रवंशी, वासुदेव राम, लखन राम, शिवनंदन राम, दुर्गा राम सहित काफी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। जरासंघ एकता, जय जरासंघ।
अतिथियों का सम्मान करने का कार्यक्रम सम्मान का कार्यक्रम खत्म करेंगे। भाभी जैसे देख रहे थे पीछे समाज के समझे कि आज एक ऐतिहासिक क्षण है।
सारी महिलाएं और पुरुष सभी मिलकर एक दूसरे से होली मिलन समारोह से मनाए, जिसमें सारी महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया और बच्चे छोटे छोटे बच्चों ने भी भाग लिया और सभी ने एक दूसरे के साथ धूमधाम से होली मिलन समारोह को सम्पन्न किया। धन्यवाद। गिरिडीह के श्री समाज की तरफ से सत्य पे असत्य की जीत महापर्व होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, पुरुष उपस्थित हुए। इसी के साथ होली का पर्व आज से संपन्न हुआ और चालू हुआ। धन्यवाद। इधर भी लो, इधर भी। गिरिडीह जिला केसरवानी वैश्य समाज की ओर से आज भुट्टी बाजार स्थित केसरवानी आश्रम में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे सबों ने मिलकर आपस में होली का यह मिलन का त्यौहार मनाया और अपने कश्यप को, हमारे गुप्ताचार कश्यप मुनि है, उनको अबीर और गुलाल समर्पित करके लोगों ने इस होली उत्सव को एक साथ मिलजुल कर मनाया और देश में मंगल कामना की सबके लिए। सामाजिक कार्य से जुड़े संध्या मिश्रा, संजना लाल मिश्रा, काजल कुमारी, अनीता कुमारी, सुधा कुमारी, ईशा कुमारी, संध्या कुमारी, तन्मय आनंद, दिनेश पाठक सहित अन्य युवाओं ने रविवार को वृद्धाश्रम सहित अन्य स्थानों पर जाकर बच्चों के बीच रंग गुलाल और पिचकारी के साथ साथ मिठाई का वितरण किया। साथ ही बुजुर्गों और बच्चों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सब मिश्रा, आज हम लोग गिरिडीह के कई क्षेत्रों में अपने समूहों के साथ मिलकर छोटे बच्चों के बीच पिचकारी व रंग का वितरण किया और साथ ही वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों को मिठाइयां भी बांटी एवं उनके साथ होली मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। होमगार्ड कार्यालय में गृह रक्षकों के द्वारा गृह रक्षा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमे होमगार्ड कर्तव्य पदाधिकारी संजीव शर्मा, हवलदार लिपिक रघुवीर कुमार के अलावा काफी संख्या में गृह रक्षकों ने भाग लिया और एक दूसरे को रंग व गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं। संजीव शर्मा द्वारा दो बात रखा गया होली मिलन समारोह होना भी चाहिए, ये हर ऑफिस समारोह मनाया जा रहा है और मैं आशा करूंगा कि आगे भी यह बाकी जो भी गृह रक्षक है जिनसे हमारा परिचय हुआ अभी तक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के लोग। ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सनोहरि, जय भगवान। सबको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी इसी तरह हर साल मिले यही मैं कामना करता हूं। हमारे 5/2/3/2023 को गृहस्थों द्वारा होमगार्ड कार्यालय के प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से हमारे पदाधिकारी संजीव शर्मा और हवलदार रघुवीर गृहक बंधु होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आज के अंतिम